हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस वीडियो में। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सो हमें ये निकालना है कि एक पॉइंट है, जैसे हमारा ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 1-5 और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 4-5 है। इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते एक लाइन है और वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। ओके, सो वो एक पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में लाइड कर रहा है। ओके, और उस पॉइंट जो वो पॉइंट जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो हमें वो रेशियो फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द रेशियो, और जो जो पॉइंट है उसकी हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। सो हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। सपोज करो ये जो है वो पी पॉइंट है, वो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। दिस इज के एंड दिस इज 1। ओके, तो ये 1 हो गया है। एंड हम लिखेंगे नाउ वी नो दैट एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लाइन करते हैं देन इट्स जो वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा उसका वो जीरो हो जाएगा। तो ये पॉइंट है दैट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा। ओके, एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हमें इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये निकालना है। सो हमें लिखेंगे दिस इज पी पॉइंट एक्स जीरो। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए इसके, तो इसमें हम लिखेंगे ये हमारा एक्स वन वाई वन है, इसमें हम लिख लेते हैं पहले ही। एक्स वन जो है वो 1 है, वाई वन जो है वो हमारा 5 है, एंड एक्स टू जो है हमारा वो 4 है, और वाई टू जो है हमारा वो 5 है, और एम वन जो हो जाएगा हमारा के है, और एम टू जो है हमारा वो 1 है, के रेशो 1 जो है। ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला है हमारा, ये हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। ओके, सो ये हमारा है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस 1। सिमिलरली एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा एम वन जो है हमारा वो 1 है, 1 इंटू एक्स टू कितना है 4, प्लस एम टू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स वन कितना है 1 डिवाइड बाई के प्लस 1। नाउ एम वन जो है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। ओके, सो जो वाई कोऑर्डिनेट है जो हमारा, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इसका फार्मूला ये है। सो दिस इज एम वन जो है हमारा के हो गया है, के इंटू वाई टू कितना है 5 हो गया है, एंड प्लस एम टू कितना है 1, एंड एम टू जो है हमारा 1 है मल्टीप्लाई बाय वाई वन जो है हमारा वो दिस इज वाई वन, जो वाई वन जो है हमारा 5 है डिवाइड बाई के प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मतलब 4 माइनस एम वन, एम वन जो है हमारा वो के है, सॉरी दिस इज के मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 के प्लस 1 मतलब 1 डिवाइड बाई के प्लस 1, के मतलब 5 के, एंड 1 मतलब 5, ये आएगा 5 डिवाइड बाई के प्लस 1। ओके, सो ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, पर ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा 0 के इक्वल है, तो उसका हम लिखेंगे 5 के माइनस 5 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के प्लस 1 जो है वो इधर चला जाएगा, तो 0 से मतलब हो जाएगा, तो वो 0 ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 5k-5 इज इक्वल टू 0, और 5k इज इक्वल टू -5 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, 5 1 जो 5 5 जो हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 1।
सो हम लिखेंगे पी जो एक्स जीरो कोऑर्डिनेट है जिसके इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:1 के रेशो 1 है और के की वैल्यू हमारी 1 आई है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी ये हमारी हो जाएगी 1:1 हो जाएगी ओके ना अब जी हमारी जो 1:1 हो गई है तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और जीरो के तो ये है एक्स जीरो तो इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे ये -4k+1 डिवाइडेड बाय के प्लस वन और इसके थे 5k-5 अपॉन के प्लस वन ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का तो इसके हमें निकालने हैं अब के की वैल्यू इसमें डाल देंगे हम तो जगह -4 × 1+1 डिवाइड बाई 1+1 के की वैल्यू 1 आई है सो यहाँ आएगा 5 × 1−5 / 1+1 ओके तो यह आ जाएगा हमारा -4 + 1/2 यह आ जाएगा 5 − 5/2 तो यह आ जाएगा -3/2 एक्स की वैल्यू आ गई जो पी है एक्स है जीरो है तो ये आ जाएगा पी एक्स की वैल्यू आ गई -3/2 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 5 − 5 0/2 दैट इज जीरो ये आएगा -3/2 तो ये आ गया जीरो तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए ओके ये -3/2 0 हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यहां लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू यह आ जाएगा पी इसको हम लिखेंगे -3/2 0 ओके सो ये आ गया हमारा -3/2 0 आ गया ये हमारा आंसर आ गया है एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा एंड मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग